एक चीज़ मेरे में थोड़ा सा दिक्कत है कि मेरा आगे का ये ब्रेक लीवर एकदम प्रॉपर ख़त्म होने हो ख़त्म ही हो चुका है, मतलब आगे का ब्रेक नहीं लगता, तो मैं प्रॉपर पीछे वाले ब्रेक से अपने बाइक को हैंडल करूँगा। वो गाइजा अभी ना ब्रेक का चला रहे हैं, गाइजा देख लो सब बजरंगबली की कृपा। Riders, welcome back to my YouTube channel. Riders are back. So first of all, देखो आज की videos कितनी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, because आज हमारे पास है अपनी partner NS 200 Acrof of Exhaust, Duke 200 BS6, ठीक है, और 220 BS4. तो देखा जाए तो आज का drag दो बजाज और एक KTM के बीच में होने वाला है। तो power figure की बात करें तो इसका आपका BHP है 22 और टॉर्क है 20, मे भी हो सके मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँगा, और इसका टॉर्क, इसका BHP है आपका 24 और टॉर्क है आपका 19, ठीक है। और बात करें अपनी पार्टनर का, इसका BHP है 24.93 और टॉर्क है आपका 19.73। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा BHP और टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली जो गाड़ी है वो बीच में खड़ी हुई है, ड्यूक 200। तो आज इन्हीं तीनों के बीच में एक ट्रिपल बैटल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पावर फिगर के बारे में बता ही दिए, वेट के बारे में क्या बताएं, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा मतलब वेट सिमिलर, ये 150 केजी की है, 154-155 वो 150 केजी है, इसका मेरे को नहीं पता ये कितना केजी की बाइक है। बाकी देखा जाए तो ये आपका डुअल चलन ABS के साथ आती है, वो सिंगल चलन ABS के साथ आती है, और ये आपका डिस्क ब्रेक है। तो आज इन्हीं तीनों के बीच में एक बैटल करेंगे, और फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर ये तीनों के बीच में ड्रैग होने वाला है। तो ड्रैग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज तीनों बाइक में पावर अच्छी खासी है, 220 लेजेंडरी बाइक। इसमें बताया कि बस एक फ़र्क ये है कि इसमें आपको 5 गियर 220 में, बाकी दोनों में 6-6 गियर है, पर एडवांटेज इसको मिलने वाला है बिकॉज ये है आपका सेमी फेयरिंग और दोनों है नेकेड। तो अपन लोग थोड़ा सर्वाइव करेंगे, पर टॉप एंड में मेरे को लगता है कि 220 ही विनर होने वाली है। बाकी बहुत दिन के बाद वीडियो करने के लिए आया है, तो वीडियो होने वाली है बहुत ही दमदार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अपने चैनल की पहली वीडियो होगी 220 ड्यूक और अपने पार्टनर के साथ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो मेरा टायर प्रोफाइल है आगे का 100 और पीछे का है 130। इसका टायर प्रोफाइल है आगे का 1110 और पीछे का है 150, ठीक है, 20 ज़्यादा है। और इसका टायर प्रोफाइल है 90 आगे का, आई थिंक 90 सेक्शन का टायर है इसका, और पीछे का है आपका 120 सेक्शन का टायर मिलता है इसमें। और वही अपना BS4 का पुराना वाला मीटर, मेरे को तो यही वाला मीटर ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज नया वाला में जो क्लस्टर चेंज हुआ है, सेम NS में जो क्लस्टर है वही 220 में क्लस्टर डाला हुआ है, तो कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं मेरे को फील होता है। बाकी आज एकदम लेजेंडरी बैटल होने वाला है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ मेरे में थोड़ा सा दिक्कत है कि मेरा आगे का ये ब्रेक लीवर एकदम प्रॉपर ख़त्म होने हो ख़त्म ही हो चुका है, मतलब आगे का ब्रेक नहीं लगता, तो मैं प्रॉपर पीछे वाले ब्रेक से अपने बाइक को हैंडल करूँगा। बाकी अगर आप लोग के बाइक के साथ ऐसा कुछ हो तो आप लोग रिस्क ना लें, बनवाने के बाद ही ट्राई करें। और मेरे को अपने बाइक पर भाई प्रॉपर हाथ बैठा हुआ है, तो मैं अपना ही बाइक चलाऊँगा, पुनीत चलाएगा अपना 220 और उमंग चलाएगा अपना भाई ड्यूक 200। तो चलिए बैटल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट मिलते हैं आपको मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस, अभी हमारा डायरेक्ट स्टार्ट होने वाला है, हम लोग अभी फुल रेडी हैं, अपने पास है ड्यूक 200 और इनके पास 220 और NS 200, देखते हैं भाई क्या होने वाला है। एक राउंड करो,
सो गाइस उनके बाइक में भाई आगे वाली फ्रंट वाले ब्रेक भी बहुत कम है, बट उनको एक्सपीरियंस है तो वो राइड कर लेते हैं। बट अभी आगे है।
नहीं जा रहा उतना। तो गाइस आप लोगों के सामने है इस ट्रैक का रिजल्ट। NS 200 सबसे आगे, सेकंड नंबर पे अपना ड्यूक 200 और 220 भाई बहुत पीछे है।